हेलो राधे आदि दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? सब अच्छे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज फ्राइडे है, 18 फरवरी की सुबह हो गई है और मैं अपने डेली के वही साफ़ सफाई के काम में लगी हुई हूँ और आज मुझे उठने में थोड़ा लेट हो गया है। एक तो मैं पिछले 1-1.5 महीने से घर पर थी, स्कूल नहीं जा रही थी, बीच में ऑनलाइन क्लासेस हो गई, वर्क फ्रॉम होम हो गया, फिर मुझे कोविड हो गया, तो उसकी वजह से कम 22-23 दिन स्कूल नहीं जा पाई। और अब 7 फरवरी से डेली मुझे स्कूल जाना पड़ रहा है, तो ना पूरा शेड्यूल बिगड़ गया है। क्योंकि जब तक घर पर थी तो आराम से उठ रही थी मैं, लेकिन अब स्कूल जाना पड़ रहा है तो सुबह जल्दी उठना पड़ रहा है। और 2-3 दिन से पता नहीं क्या हो रहा है, डेली अलार्म लगा के सोती हूँ सुबह के 5 बजे का, लेकिन आँख को 6 बजे से पहले खुलती ही नहीं। और ये तांशु के पापा रात को यहाँ पर दूसरे कमरे में किचन वाले रूम में चारपाई बिछा करके सोते हैं, तो बस मैं ये इनके बिस्तर वगैरह फोल्ड कर रही हूँ। ये उठ करके अपने फ्रेश वगैरह होने गए हैं, तांशु भी जग करके अपने ब्रश करने लगे हुए हैं। और एक तो वैसे ही सुबह इतना काम होता है करने के लिए, जल्दबाजी होती है, जल्दी जल्दी काम ख़त्म करें, स्कूल के लिए तैयार होकर के निकलें। और दूसरे हमारे ये तांशु बाबू, इनकी नखड़ी इतने होते हैं सुबह, क्योंकि इनको जगाने में ही ना सुबह हमारे स्कूल के लिए। और मौसम अब थोड़ा सा गर्म सा हो गया है ना, कि स्वेटर भी पहन कर जाने का मन नहीं कर रहा था, पर फिर भी मैंने पहन लिया है स्वेटर, क्योंकि स्कूल में अंदर क्लासरूम में रहते हैं ना, और हमारा स्कूल जो है थोड़ी ऐसी खुली सी जगह है, मतलब जहाँ आसपास कुछ नहीं है, थोड़े से फील्ड वगैरह हैं, खेत वगैरह है ना, तो ठंडी हवा बहुत चलती है वहाँ पे, तो इसलिए स्कूल में थोड़ा अंदर क्लास में ठंड लगाती है, तो इसलिए अभी तो स्वेटर पहनना ज़रूरी है। और तांशु की 2 दिन के लिए ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं, क्योंकि जो स्कूल की बसें हैं ना वो इलेक्शन में लग गई हैं ड्यूटी में, तो इस वजह से ना 2 दिन के लिए स्कूल वालों ने ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटी कर दी है। तो अब तो मंडे से ही तांशु स्कूल जाएंगे, अब ये 2 दिन तांशु अपने पापा के साथ जाएंगे उनके स्कूल। और मैंने जब से जॉब करनी शुरू की ना, तब से मुझे आराम से बैठ कर चाय पीने का तो मौका एक भी दिन नहीं मिला है, ऐसे ही खड़े होकर के जल्दी जल्दी चाय पीनी पड़ती है, वो भी ठंडी। अब क्या कर सकते हैं, लाइफ में कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। आज भी सब्जी रोटी पराठा खाए। सब्जी रोटी लेकर कमरा बंद हो जाएगा, खाना पीना अच्छा होता है। बाय बाय।
मैं निकल रही हूँ, मुझे देर हो रही है यार, आज वैसे भी बहुत ज्यादा लेट हो गई हूँ यार, मैं निकल रही हूँ, आप लोग आना पीछे से ठीक है। फोन का मेरा फोन दे दो यार, बहुत देर हो रही है, एक तो भेज रही हूँ, ले लो मोबाइल अपना, ऊपर से मैं टिफिन विफिन पता नहीं है कहाँ रखा है यार, दे दे बाय मम्मी बाय बेटा। और अभी मैं स्कूल के लिए निकल आई हूँ, साथ में नीलम मैम भी हैं, तो ऑटो में हम लोग बैठे हुए हैं, थोड़ी देर में स्कूल पहुँच जाएंगे। और स्कूल में मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी क्योंकि फ़ोन अलाउ नहीं है स्कूल में यूज़ करना। तो अब आप लोगों से मैं स्कूल ख़त्म करके जब घर पहुँच जाऊँगी तभी मिलूँगी। चोट लग गई है फिलहाल के सही। मम्मी अभी मैं नहीं खोली, तो मैंने आपसे मना किया कि आप उधर मत मचाया करो, आप एक जगह बैठ के रहा करो। कहां तो भी दादी ने कर दी पट्टी इसकी, आयुष की दादी ने, भाती मैं भाती मम्मी की हैं हैं, उन्होंने तो करी थी, उन्होंने दवाई लगाई थी तांतु को पहले, है ना, सैबड़ों में साफ किया था उन्होंने, उन्होंने फिर दवाई लगाई बेचारी ने इसके लिए, मेरे बाबू के दर्द तो नहीं हो रहा, बैठा दिया है ना, मैं ठीक से नहीं बैठा था, उल्टी तरीके से बैठा था, है ना, तो आप उल्टी क्यों बैठे थे, है ना, वो भैया तेज चला रहे थे, है ना, क्योंकि बड़े बच्चे तेज ही चलाते हैं, है ना, मैं बताऊं तो मेरा पैर हिल गया, तो साइकिल के अंदर चला गया था क्या उसका पैर, भैया के अंदर तो तान में आगे धक्का लग गया, तान का एक तो बच ही गया है, ये समझो ये अच्छी छिल गई इसकी, यूं तो 100 खरी तो पहना था ना, इसकी कम लगी है, मैं ज्यादा खाल पट गई थोड़ी इसकी यहाँ से। और आज हमारे तांशु बाबू बाल बाल बच गए हैं, इनके साथ स्कूल गए थे तो वहाँ किसी बच्चे के साथ उसकी साइकिल पर बैठ गए पीछे और पैर जो है साइकिल में चला गया, तो बाल बाल बच ही गए हैं, सॉक्स शूज़ वगैरह पहने हुए थे तो पैर में ज़्यादा चोट नहीं लगी है, वरना ज़्यादा चोट लग जाती है इनके, तो बच ही गए, भगवान का शुक्र है कि ज़्यादा चोट नहीं आई है इनके। और इस वजह से आज ये लंच भी नहीं कर पाए, ऐसे ही टिफ़िन लौटा लाए हैं, क्योंकि बता रहे थे कि जब ये तांशु की चोट लगी है तो मैं लंच ही कर रहा था, तो एकदम से भागना पड़ा जब ये रोया है, तो फिर लंच फिर मैंने किया ही नहीं, फिर मन ही नहीं किया इसको रोता हुआ देखकर लंच करने का, तो मैं चलो जल्दी से इनके लिए चाय बना दूँ, जब तक ये ट्यूशंस पढ़ाएंगे और भूखे होंगे, इन्होंने स्कूल में लंच नहीं किया है, तो चाय बना दूँ, चाय के साथ कुछ खा पी लेंगे ये। और ये चाय बन करके रेडी है, दूसरी गैस पे मलाई भी रखी है घी बनाने के लिए, तो जब तक ये मलाई गर्म हो रही है घी बनेगा इसका तब तक हम चाय पी लेते हैं, ये दोनों फूल तो हो जाएगा, ये लो चाय, नहीं नहीं आपके लिए नहीं है तांशु चाय, आप आराम से बैठो पैर ऊपर करके अच्छे से, नहीं नहीं कुछ नहीं, अच्छे से बैठो, मैं आपके लिए दूध लेके आ रही हूँ, ठीक है, चाय वाला दूध नहीं दूध। और ये तांशु की पट्टी थोड़ा सा लूज हो गई थी तो मैंने खोली दी है, थोड़ी सी हवा लगनी जरूरी है चोट में, ये देखिए कैसी चोट लगाई है इन्होंने साइकिल में, पैर चला गया इनके, बाल बाल बची गए, ये देखो दिख रही है इतनी खाल पट्टी पड़ी, और ये देखो इतना बहुत, ये देखो बहुत,
नहीं छू रही बेटा, नहीं छू रही। लग रही है, दर्द हो रहा है? हटा दूं? इतनी बुरी तरीके से उन्होंने अपने लगाई है, बाल बाल बची गया है ये पैर। और ये मेरे पास चोट का ट्यूब रखा था तो मैंने इनके लगा दिया। वैसे चोट ज़्यादा गहरी नहीं है, बस हल्की सी खरोंच आई है, थोड़ी सी खाल पटकी है, ये समझ लो बाल बाल बची गया है पैर, क्योंकि चोट ज़्यादा लग भी सकती थी साइकिल में पैर जाने से। तो भाई मुझे पता है कि एक बार जब मैं छोटी थी बचपन में, तांशु जैसी थी, तो मेरा भी साइकिल में पैर चला गया था और मुझे बहुत बुरी चोट लगी हुई थी। अभी भी मेरे पैर में वो निशान बना हुआ है। और अभी ये तांशु को ना डैड बैग का इंजेक्शन लगवाने ले जा रहे हैं। वैसे चोट तो ज़्यादा गहरी नहीं है, लेकिन फिर भी इन्फेक्शन वगैरह ना हो, तो इसलिए मैंने बोल दिया है कि इंजेक्शन तो लगवा ही दो आप। और जब तक तांशु लौटते अपने पापा के साथ इंजेक्शन लगवा करके, तब तक मैं जा करके तैयार हो लेती हूँ, क्योंकि आज हमें एक बहुत ही खास फंक्शन अटेंड करने जाना है अपनी ननद रानी की ससुराल में। तो आज ना मेरी ननद रानी की ननद जी की शादी है, तो उसी फंक्शन को अटेंड करने हमें जाना है। और हम अकेले नहीं जाएंगे, आप लोग भी हमारे साथ चलेंगे। और वहाँ चल के मैं आपको ना अपनी ननद रानी के, जो मेरी ननद हैं जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी पूरी फैमिली से मिलवाऊंगी। उनकी सासू माँ, ससुर जी, ननद, देवर, जेठ, मतलब सबसे मिलवाऊंगी मैं आप लोगों को। तो वेट कीजिएगा मेरे नेक्स्ट ब्लॉग का। और आज के लिए आप लोगों से विदा ले लेते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं जल्दी फिर आप लोगों से न्यू अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।